वेलकम बैक टू आज स्टडी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो देखिए क्या कहता है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। दिस लॉ वाज गिवन बाय एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड्स। एक इंग्लिश जो केमिस्ट है उनकी द्वारा ये रूल दिया गया है। विच स्टेट दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट लाइक द अर्थ नॉट इन एन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। क्या कह रहा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कि जिस तरह से संगीत के जो 7 सुर होते हैं, म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं, उनके अंदर जो 8वां नोट्स जो फर्स्ट जो नोट्स है उसकी सेम होता है, उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने 8-8 एलिमेंट्स के बनाए और जो फर्स्ट से लेकर के 8वां जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम हुई। यानी इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किस रूप में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लेके इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिर इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके और जो उसके बाद में 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। और वो भी किस तरह से, जैसे म्यूजिक के अंदर ये जो स्वर हैं नोट्स हैं ये होते हैं उसी तरह से। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या है, सारे गामा पा धा नी, ये म्यूजिक के स्वर है। इन्होंने एलिमेंट्स को भी इसी अकॉर्डिंग अरेंज किया। देखिए ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, टाइटेनियम, टिन नहीं है ये, टाइटेनियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबीडियम, स्ट्रोंसियम, सीरियम एंड लेंथेनम एंड जर्कोनियम। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो 8वां एलिमेंट आएगा फर्स्ट के बाद में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8 नंबर का एलिमेंट है। तो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और जो 8वां एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। आप इसको लेके काउंट कीजिए लिथियम को लेकर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लिथियम के बाद में 8 नंबर का एलिमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम आएंगी। इसी तरह से आप बोरोन को लेके काउंट करोगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी बोरोन के बाद में 8वां एलिमेंट एल्यूमिनियम रहता है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस तरह से आप देख लीजिए किसी भी एलिमेंट्स को लेकर के आप इनको देख सकते हो, हर जो 8वां एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सेम आएंगी। इस तरह से इन्होंने ये इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। फिर इन्होंने ये कर दिया कि जो कोबाल्ट एंड निकल है इनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने इनको इनके साथ में रख दिया, यानी एक जो एलिमेंट की जगह ही इन्होंने इन दोनों को रख दिया। ये इसकी क्या थी, एक ड्रॉबैक थी। इसी तरह से इन्होंने सीरियम एंड लेंथेनम को भी एक जगह रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि इन्होंने बीच में कोई गैप ही नहीं छोड़े थे, जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इन्होंने उनके साथ में रख दिया। इस तरह से न्यूलैंड से लो चलता है, यानी जो फर्स्ट और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस तरह से ये है। और अब हम इसकी स्टडी करेंगे लिमिटेशंस, क्या इनकी ड्रॉबैक्स थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो देखिए हर जो क्लासिफिकेशन है उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों होते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यानी जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल है वो ओनली कैल्शियम तक ही इनको अरेंज कर पाया,
कैल्शियम जो एलिमेंट है वहां तक की ही इन ये फर्स्ट से लेकर के आठ आठ एलिमेंट्स की ग्रुप बना पाए और उनकी प्रॉपर्टीज क्या मिली, सेम मिली। लेकिन कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है उनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता है। ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी। सेकेंड है, दिस लॉ वर्क ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स। ये जो ऑक्टेव रूल है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही क्या है, सही है, ये ओनली इनके साथ ही वर्क करता है। न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। जो न्यूलैंड्स लो है उन्होंने अज्यूम किया कि जो 56 जो एलिमेंट्स हैं वो ही एग्जिस्ट कर पाते हैं नेचर के अंदर, और कोई जो एलिमेंट आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनके लिए इन्होंने ना कोई गैप छोड़ी ना उनकी कभी कोई बात हुई। नेक्स्ट है, टू एडजस्ट न्यू एलिमेंट ही प्लेस कोबाल्ट एंड निकल टुगेदर दैट टू इन ए सेम कॉलम ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए जो कोबाल्ट एंड निकल है इनको एक साथ रख दिया एक ही कॉलम में। किसके साथ में, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के अंदर। और ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये हेलोजन है और हेलोजन बाकी अदर एलिमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफर है, कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। फिर भी इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक जगह रख करके और इनके ग्रुप में इनको रख दिया। देयरफॉर टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस डिमिट्री मेंडलीव मेड हिज न्यू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, जो ऑक्टेव न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए उनके बाद में कौन आए, मेंडलीव आए, और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तब तक आप देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए जो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये भी अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपके इन जो ये लॉ है इनके अंदर से आ सकता है कि इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे। तो आप इनकी मेरिट्स को तो ध्यान में रखोगे रखोगे, अचीवमेंट्स के साथ साथ में आप इनके लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।